पश्चिमी चंपारण के बेतिया में 13 दिसंबर 2019 को संत तेरेसा बालिका प्राथमिक विद्यालय में एलकेजी से पांचवा वर्ग तक के छात्राओं द्वारा हस्तकला एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चियों ने कई प्रकार के छोटे से बड़े आकर्षक और मनमोह लेने वाली वस्तुओं को बनाकर प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत की, जिसमें घरों के रद्दी सामानों से बनाए गए आकर्षक हस्तकला, पत्तों के सामान, रुई की बनी गुड़िया, थर्मोकोल से बना घर आदि कई प्रकारों की वस्तुओं से प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रहा। पांचवें वर्ग की बच्चियों ने विज्ञान के माध्यम से कई प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाई थी। आयोजन का शुभारंभ मुख्य अतिथि राकेश डी क्रूज, समन्वयन जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी चंपारण द्वारा दीप प्रज्वलित कर तथा फीता काट कर किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के साथ साथ संत तेरेसा बालिका प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापिका सिस्टर शिखा सुपीरियर, सिस्टर जस्सी हाई स्कूल की प्रधानाध्यापिका सिस्टर रेखा, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रधानाध्यापिका सिस्टर आयरिन तथा अन्य सिस्टर गणों ने अपना बहुमूल्य समय देकर सफल बनाया। अपनी उपस्थिति द्वारा उन्होंने छात्राओं द्वारा बनाए गए हस्तकला संबंधित वस्तुओं को निरीक्षण किया तथा छात्राओं को मनोबल बढ़ाया। पंचम वर्ग तक की छात्राओं ने भाग लिया और इसमें बच्चों ने छीजन कार्य जो सामान रद्दी है उनसे उन लोगों ने बहुत सारे सामान बनाए और उसमें आकर्षण का केंद्र आपके लिए बहुत सारे रुई से बना हुआ गुड्डा, पत्तों से बना हुआ सामान और छीजन कार्य बहुत सारे थे जो सबों के लिए एक बहुत ही बच्चों और समाज के लिए एक प्रेरणाप्रद था। और इसके में काफी लोगों ने, काफी बच्चों ने बहुत मेहनत किया, बहुत ही परिश्रम से इस कार्य को सफल बनाया। ये एलकेजी से लेकर पांचवें वर्ग तक की छात्राओं ने इसमें भाग लिया। अपना परिचय देता हूँ, राकेश डिक्रूज, समन्वयक जिला विधि प्राधिकार पश्चिम चंपारण। मैं सबसे बड़े यहाँ के सिस्टर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे इस आयोजन में बुलाकर सौभाग्यशाली बनाया। इसलिए मैं यहाँ के शिक्षकगण, सिस्टरगण और अभिभावकगण को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ के बच्चों को प्रेरित किए और इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत कराया। और मैं अन्य बच्चों से भी यही आशा करता हूँ कि वह दूसरे से सीख लेकर इस प्रोग्राम को अगले साल और बेहतरीन कर सकें। यही मेरी दुआ, ये मेरी शुक्रिया है, धन्यवाद बच्चों। इसके लिए जोरदार